अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मैं आप लोगों के सामने एक बहन की वीडियो क्लिप प्ले करूंगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। जी हाँ नाज़रीन, वीडियो क्लिप प्ले करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखना, खासकर वो लोग जो अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। चलिए जनाब, देखो पहले आप इस वीडियो की। दीदी एक सवाल था आपसे, बताइए इस दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी यानी कि तनख्वाह किसकी होनी चाहिए? इस दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी यानी कि तनख्वाह माँ की होनी चाहिए। कमाल कर रही है दीदी, माँ कोई नौकरी थोड़ी ना करती है। सही बात है, माँ कोई नौकरी थोड़ी ना करती है, माँ थोड़ी ना जॉब पर जा रही है बैग लेकर के, है ना। माँ तो घर में अपना काम वाम करती है, उनको कहाँ सैलरी, उनको कहाँ तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन जो जॉब पर जा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, शायद उनसे ज्यादा मेहनत माँ करती है। नौकरी पे जाने वाला सुबह 7 बजे उठ रहा है तो माँ 5 बजे उठती है कि कहीं वो भूखे पेट ना चला जाए, कहीं वो बिना टिफिन लिए ना चला जाए, है ना। माँ 5 बजे उठती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके लिए टिफिन पैक करती है, तब वो नौकरी पर जाते हैं। और वो 7 बजे 6 बजे अगर नौकरी से लौट कर आ गए तो वो खाना खा करके उसके बाद सुकून से सो जाते हैं। माँ कब सोती है? 12 बजे। सारा काम निपटा करके, खाना वाना बना करके, बर्तन चौका करके, साफ सफाई करके, उसके बाद माँ सोती है। माँ सबका ख्याल रखती है। और वो जो पैसे कमा करके लेकर के आ रहा है ना, वो हम सब नहीं खाते हैं। हम लोग पैसा नहीं खाते हैं, उस पैसे से राशन आता है, उसको माँ पकाती है, तब हम खाते हैं। लेकिन माँ की सैलरी हम लोग जोड़ते कहाँ है? कहाँ हम लोग कहते हैं कि माँ को सैलरी की आवश्यकता है? हम लोगों की नजरों में तो माँ का काम काम ही नहीं होता है ना। हम लोगों की नजरों में तो वो सब बड़ी छोटी चीज है। अगर छोटी चीज है तो करके देख लो, एक करके देख लो तो थोड़ा मजा आ जाए, आप लोगों को पता लगे कितना काम का काम होता है, है ना। माँ घर को घर बनाती है, वो माँ, ठीक है। माँ घर को घर बनाती है, माँ घर को स्वर्ग बनाती है। हम सबको पाल पोस कर माँ ने ही बड़ा किया, हम खुद नहीं बड़े हुए हैं, ठीक है। हमें भी समझना चाहिए माँ की फीलिंग्स को। आप एक दिन घर से बाहर ना निकलिए ना, आपको फ्रस्ट्रेशन से फील होने लगेगा, आपको लगेगा कि यार दम घुट रहा है बिल्कुल, इसी घर में सुबह से पड़ा हूँ, ऐसा फील होगा। अब माँ का सोचिए, जिसने सारी अपनी जिंदगी उसी घर में बिता दी, सारी जिंदगी घर में बिता दी, और एक दिन भी उन्होंने शिकायत नहीं की कि आज मैं घर से बाहर नहीं गई, यार मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। नहीं, सबसे हंस के बात कर रही, सबसे ढंग से बात कर रही है। और माँ के काम में ना भैया, माँ के काम में जब से वो ब्याह करके आई है, जब से घर में है, माँ के काम में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है। आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में ना, आपका होली त्योहार, तीज त्योहार को छुट्टी मिल जाती है, संडे को छुट्टी मिल जाती है, माँ के काम में छुट्टी नहीं होती है। तीज त्योहार को उनका काम 4 गुना हो जाता है, 4 गुना काम वो करती है। कोई हाथ बटाता है उनका? नहीं, क्योंकि वो सबके लिए काम काम नहीं होता ना, सबके लिए जॉब इज द बिगेस्ट थिंग। नहीं, माँ भी काम करती है, और आप लोगों से कई गुना ज्यादा काम करती है। उनको भी समझिए, उनकी भी फीलिंग्स को समझिए। जी हाँ नाज़रीन, माँ बाप की वैल्यू और मकाम किसी यतीम बच्चे से पूछना, बात करके देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों की क्या राय रहेगी इस बहन के मुतलिक या इस वीडियो के मुतलिक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करके जाना। दीजिए किसी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़।